नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी। प्रजापति जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल राज तक पे आमंत्रित किया मेरी बात को जन जन तक जन जन तक पहुंचाने के लिए, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। 2017 में भागीदारी आंदोलन बना तो फिर पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? आप आंदोलन भी चला सकते थे। देखिए, सामाजिक आंदोलन से हम समाज को इकट्ठा तो कर सकते हैं, लेकिन उनको राजनीतिक भागीदारी नहीं दे सकते, सांसद विधायक मंत्री नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा भागीदारी आंदोलन मंच था, उसमें बहुत सारे पदाधिकारियों ने कहा कि अध्यक्ष जी, बिना पॉलिटिकल पार्टी के हम लोग मजबूती से लड़ाई समाज की नहीं लड़ सकते, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने भी प्रयास किया और अपने अपने स्तर से और जाति संगठन बनाकर वो सांसद विधायक मंत्री नहीं बना पाए। तो आपसे अनुरोध है कि इसको पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करिए। तो इसलिए हमने कहा कि भाई चलिए पार्टी बनाते हैं। आपका आपका गठबंधन 2022 में समाजवादी से हुआ, जिसमें ओपी राजभर की भी पार्टी थी, तो फिर आप लोग चुनाव क्यों लड़े? नहीं लड़े, एक भी चुनाव नहीं लड़ी आपकी पार्टी। देखिए, उसमें हुआ क्या, और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो भ्रांतियां फैला के हमको दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भाई मैं ये कहता हूँ, मोर्चे में हमारे जितने भी दल थे, बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने मोर्चे की बैठक एक बार नहीं, पांच पांच राउंड की बैठक हुई, और उन्होंने, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, कि उन्होंने कहा कि जितने भी छोटे दल हैं जो हमारे साथ हैं, सबको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पहले उन्होंने हम लोगों की सूची मंगवाई, मीटिंग हुई, फिर उसमें श्री ओम प्रकाश राजभर जी भी थे और बड़े भाई श्री अखिलेश यादव जी थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी सूची दे दीजिए। हमने भी 13 सीट का उनको सूची दिया। हमारे साथ में जो और भी मोर्चे में लोग शामिल थे, उन्होंने अपनी सूची दिया। फिर दूसरी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि सीट बहुत ज़्यादा है, इसको कम कर दीजिए, आधा कर दीजिए। फिर हमने उसको 7 सीट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अभी भी ज़्यादा है, हमारे लोग कह रहे हैं, इसको और कम कर दीजिए। फिर हमने उसको 5 सीट कर दिया। फिर आखिरी राउंड की जब बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम सीट नहीं दे पाएंगे आप लोगों को, सरकार बनाइए, सरकार बन जाएगी तो मोर्चे का सम्मान रहेगा। इस तरह का उन्होंने प्रलोभन देकर जितने भी उपेक्षित जातियां हैं, दबी कुचली जातियां हैं इस प्रदेश में, सबको उन्होंने ब्लैकमेल करने का काम किया। लेकिन प्रदेश की जनता भी करारा जवाब दिया, जब प्रदेश को लगा उसमें पाल है और प्रजापति है, बिंद है और कुशवाहा है, जो लोग मोर्चे में शामिल थे, उनके लोगों को लगा कि भाई अखिलेश यादव जी ने तो इन लोगों को धोखा देने का काम किया है। तो लोगों ने उसका जवाब दिया। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी करीब 100 सीट 1000 वोट से लेकर 3000 के वोट में हारने का काम किया। अगर मोर्चे को सम्मान मिला होता तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती, और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तब लोग, कुछ लोग श्री ओम प्रकाश राजभर जी को कहते हैं कि भाई उन्होंने धोखा दिया। मैं उन लोगों को, इस तरह के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो उनको 17-18 सीट जो भी मिली थी, उस पर करीब आधे सीट पर तो समाजवादी पार्टी के ही लोग लड़ रहे थे उनके सिंबल पर। आप लोग उदाहरण के लिए आप जौनपुर चले जाइए, जो वहाँ के विधायक हैं श्री जगदीश राय जी, वो विधायक तो सुहलदेव पार्टी के सीट टिकट पर हैं, लेकिन वो आज भी जो है साइकिल का झंडा लगा के घूम रहे हैं। तो जो मोर्चे को उन्होंने धोखा देने का काम किया, तो प्रदेश में बड़ा इसका विरोध हुआ, अंदर से लोगों ने, जनता ने उसका उल्टा विरोध किया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। कह रहा हूँ कि आपको जी, आपके कहने का मतलब ये तो नहीं ना कि ओपी राजभर की मजबूरी थी गठबंधन चलाना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, उनका दल है अपना, वो भाई संघर्षशील नेता हैं, वो लंबे समय से अपने लोगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 20 साल के इतिहास में उन्होंने, 20 साल हुआ पार्टी बनाए, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि वो लगातार हमेशा सड़क पर रहते हैं और हक और अधिकार के लिए जहां जाति जुल्म अत्याचार होता है वहां बोलते हैं,
को उनका अपना मामला है भाई, देखो वो संघर्ष करते हैं, हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि चलिए कोई तो दबी कुचली जाति का नेता बोल रहा है। अब लेकिन अब यहाँ जगह क्या है कि कुछ लोग कुंठित मानसिकता के लोग हैं जिनकी आदत रही है हमेशा, ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चला आया है कि कोई व्यक्ति अच्छा करना चाहता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। अभी आप कह रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वो सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़े जी, तो इसके पीछे रीजन क्या था कि उनको टिकट देना पड़ा सुभाषपा के नेता टिकट पर? देखिए हम लोग इसके पीछे रीजन ये था कि हम लोग चाह रहे थे कि भाई जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहा है, जिस तरह से पूरे देश में रोजगार की बड़ी समस्या है, प्रदेश में जो हालत पैदा हुए हैं, आज आए दिन उत्पीड़न हो रहा है, हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, अभी तक करीब 80 मामले तो प्रजापति, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से 80 मामले तो हत्याएं तो प्रजापति समाज की हुई है, हम लोग उसको रोकने के लिए हम लोगों ने सोचा कि भाई चलिए भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो मोर्चा बना के ही रोका जाए। लेकिन अब इन लोगों ने जो वादे किए उस पर खड़े नहीं उतरे। अभी आप बोल रहे हैं 80 हत्याएं हुई है बीजेपी सरकार में, तो ओपी राजभर बीजेपी की तरफ ही जा रहे हैं? देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। कहने के लिए तो भाई लोग स्वतंत्र हैं, कह देते हैं उधर जा रहे हैं, हम तो भाई देखो हम उनके साथ में जब मोर्चा था मोर्चे में हैं, हम उनको थोड़ा पसंद इसलिए करते हैं कि वो कम से कम दबी कुचली जाति के लिए लड़ रहे हैं, और हमारी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी है, हम अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था आप भी उसमें हैं, आज भी हैं ओपी राजभर साहब, तो बाकी लोग साथ छोड़ दिए लेकिन आप भी मौजूद हैं, क्यों? देखिए बाकी लोगों का क्या है पत्रकार भाई, कि भाई मोर्चे में एक हमारे पाल समाज के नेता जी थे, एक हमारे बिंद समाज के नेता जी थे, अब ये लोग हेलीकॉप्टर पर चढ़ने को लेकर लड़ाई विवाद कर लेते थे कि नहीं, जब वहाँ मऊ में कार्यक्रम लगा हल्दरपुर में तो ये लोग लड़ने लगे कि भाई हेलीकॉप्टर में मैं बैठूंगा, वो कहने लगे नहीं हेलीकॉप्टर में मैं बैठूंगा। जब इस तरह की मानसिकता है कि हेलीकॉप्टर से नेता आएगा तभी उसकी पूंछ होगी, तो आप समझ सकते हो कि इस तरह के लोग अपने समाज को क्या दे सकते हैं। और जिस तरह से भाई बिंद साहब तो कुछ कर नहीं पाए, पाल साहब चुनाव लड़े, उनकी जो हालत हुई आपने देखा कि भाई कितना वोट आया है, आप नेट पर जाके चेक कर लीजिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी आपके पार्टी से राजकुमार जी निकले थे जो कैप्टन है, तो आरोप लगाए थे कि परिवारवाद, इसीलिए मैं पार्टी छोड़ दिया, आप क्या कहेंगे इसमें? अच्छा देखिए वो हमारे भाई हैं, मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब आपने सवाल कर दिया तो उसका जवाब देना पड़ेगा। जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जब मैंने उनको भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया तो उनसे पूछिए कि बिना मेरे पूछे अपनी पत्नी को महिला मोर्चा का संरक्षक बनाया, और जब सोशल मीडिया पर चलाने के बाद हमको सुबह देखा तो सोशल मीडिया पर चल रहा था, तो हमने कहा जो पार्टी की कोर कमेटी है उन सभी ने कहा कि भाई इन्होंने अपनी पत्नी को संरक्षिका बना दिया, तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? अपनी बात तो करें, दूसरे की तो बात बाद में करेंगे। और रही बात उनकी, जब आदमी बार बार गलती करता है तो घर का जो गार्जियन होता है उस पर कार्रवाई करता है, कोर कमेटी के लोगों ने कई बार उनको समझाने का प्रयास किया कि पार्टी है अनुशासन में रहिए, और वो बार बार अनुशासनहीनता कर रहे थे जिसके वजह से कोर कमेटी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया। और उसका उदाहरण यह है कि आपने देखा बनारस में अभी इन लोगों ने कार्यक्रम किया और उसमें सिर्फ 6-7 प्रजापति गए थे, और इस तरह से बुरी हालत हुई जो सोहलदेव महाराजा सोहलदेव पार्क है वहाँ पे कार्यक्रम किए थे, 30 लोग नहीं थे, अगर 30 लोग से ज़्यादा हो तो बताइए। और वहीं अभी हम बनारस में पहुँच जाएँ तो जो समाज का हमारे नौजवान है वो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हजारों की संख्या में मैदान में उतरने के लिए तैयार है। ये हालत है तो इन लोगों को क्या कहें हम? ठीक है, समाज के भाई हैं, आप तरीके से कर रहे हैं, करें। आपका कहने का मतलब कि राजकुमार का मतलब कुछ नहीं है, जो वहाँ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्रजापति समाज पे। अच्छा चलिए एक बात, आप एक दिन चले जाइए, उनके बगल में ही उनके भाई रहते हैं, फिर परिवार पर मुझे नहीं बोलना चाहिए, जो परिवार के लोग हैं वही जब हमने उनको पद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया तो
लोगों ने ही कहा कि अरे इनके पास तो दो ही लोग नहीं है, आपने इतना पद दे दिया इनको, तो राजनीति का ABCD नहीं पता है। एक गांव में हमारे यहाँ कहावत है इलाहाबाद में, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, हमारे जब बाबूजी थे तो कभी कोई बात होती थी तो हम कहते थे कि एक जनी रहीन तो कहत रहीन कि अब है खरबोटा लेब। एक महिला थी वो तो कहती थी अब है हम खरबोटा लेब, जब कोई बात होती थी तो दूसरी महिला कहती थी जब तोरे नह जामे तब, तो तोरे जब नह ही नहीं बाटे तो का खरबोटबे। वही हाल अनकर पतंग के बाद अब है खरबोटा लेब, लेकिन खरबोटे जो पौरुख नहीं था। सोशल मीडिया पर एक आदमी पोस्ट किया था आपका पुरानी नेत्री, नाम नहीं लूंगा, कि ये लोग पैसा लेकर चुनाव नहीं लड़े, पैसे लेकर समझौता हो गया था इसलिए लोग चुनाव नहीं लड़े। देखिए पहले तो उनसे ये पूछ लीजिए कि आज मैंने पहली बार पार्टी नहीं बनाया है, और हमारे समाज के लोग समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, सभी दलों में काम कर रहे थे, और आज तक किसी दल ने किसी को चमन्नी दिया हो तो बताओ। और रही बात जो ये लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो इन लोगों से पूछ लो इसके पहले भी तो ये लोग राजनीति कर रहे थे, तो क्या ये लोग, इन लोगों को पैसा मिलता था क्या? राजकुमार जी 10 दल बदल के आए हैं तो जहां काम कर रहे थे वहां पैसा लेते थे क्या? और दूसरी बात, जिस नेता की बात कर रहे हैं, बड़े भाई श्री केशव देव मौर्य को समाजवादी पार्टी ने एक गाड़ी गिफ्ट किया था और चुनाव के 15 बाद गाड़ी उठा लिया, ये तो फिर राजभर के ऊपर उठाया था कि नहीं उठाया जैसे था? जो बात सही है, मीडिया पर जो भी चला है, मीडिया के माध्यम से पता चला, तो फिर राजभर जी के ऊपर आया था कि जैसे गठबंधन। प्रेमचंद प्रजापति को इस धरती पर कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो प्रेमचंद प्रजापति को खरीद ले, ये समझ लीजिए आप इस बात को, और इस बात को मैं चैलेंज से कहता हूँ। और ये जो लोग इस तरह का अफवाह उड़ा रहे हैं, पहले ये लोग जिले में जाके काम तो करें, अपनी पार्टी का पहले अच्छा बताइए, जो पार्टी बनाए हैं किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है? ऐसे कागज में पार्टी का, थैला में पार्टी चलती है क्या? बस्ता में एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो तो बताइए। ये लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, ये है फिर वो है, किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो तो बताओ इन लोगों का। ये लोग तो कुछ लोगों की मानसिकता होती है, दलाली दुलाली के चक्कर में घूमते रहते हैं, वही सब ये लोग करने के चक्कर में हैं। लेकिन अब समाज जाग चुका है, समाज किसके साथ में है, अब आप मेरी ID पर जाके देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि 75 जिलों में जो हमारा समाज है वो किसके साथ है, आपको वैसे ही पता लग जाएगा। अभी जब चंदौली लोकसभा चुनाव हुआ था तो शशि प्रताप सिंह का कुछ आईडियो वीडियो वायरल हुआ, तो उसमें हुआ क्या था, मैटर क्या था जो आपसे माफी मांगना पड़ा उनको? देखिए आजकल राजनीति में, अब उनको मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ भाई, लंबे समय से श्री OP राजभर जी के साथ काम कर रहे हैं। आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके न तो जिले का पता है, न प्रदेश का पता है, न गांव का पता है, और बहुत लोग ऐसे हैं कि 10 का गुटखा दूसरे से मंगा के खाते हैं। अब इस तरह के भी लोग जो है लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और जिस शख्स का आपने नाम लिया वो हमारे ये चंदौली से हमने लोकसभा चुनाव लड़वाया, और जाके देखिए जिसको क्षेत्र पंचायत का भी चुनाव लड़ने की बुद्धि नहीं है, उसको मैंने देश की बड़ी पंचायत का चुनाव लड़वा दिया, और अब तो हमसे बाहर हैं। अब जाके चंदौली में घूम लें, कहीं 4 गांव में मीटिंग कर लें तो पता लग जाएगा। और जिसके पीछे घूम रहे हैं वही व्यक्ति ने चुनाव के टाइम में माँ और बहन सबकी गाली दिया, और फोन करके मुझसे ही रो रहे थे, कहने लगे कि अध्यक्ष जी चुनाव कैसे लड़ूं, मुझे बहुत गंदी गंदी गाली बक रहा है। तो हमने श्री OP राजभर जी से कहा, हमका उसको समझा दीजिए, अपनी औकात में रहे, नहीं तो चंदौली में जो हमारा समाज है वो समझा देगा, क्योंकि मैं डरने वाला नेता नहीं हूँ, किसी के साथ गलत करता नहीं हूँ, कोई गलत करता है तो उसको छोड़ता नहीं हूँ। हमने तो लोकसभा चुनाव लड़ा दिया, BDC का क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़के दिखाएं। तो आप ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं, लेकिन जब आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ था तो आप प्रचार प्रसार में नहीं गए, आप उसके पहले लिस्ट जारी कर दिए थे कि हमारे प्रत्याशी इतने उतरेंगे। नहीं, हमने तो जो अभी जो लोकसभा का चुनाव अब होने जा रहा हो तो उपचुनाव था, उपचुनाव में भाई उस समय हम लोगों का मोर्चा था सपा के साथ में, हमने उस चुनाव के बाद में सूची जारी किया कि अब जो चुनाव होने जा रहा है 2024 में,
13 लोगों की सूची जारी किया है कि भाई एडवांस में जारी इसलिए कर दिया कि लोकसभा का चुनाव भागीदारी पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ेगी, एक उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। हमारा काम, पार्टी का काम बिहार में बहुत तेजी से चल रहा है, और उधर अभी आपने देखा 17 फरवरी को हमारे भागीदारी पार्टी का स्थापना दिवस है, उसका कार्यक्रम रांची में झारखंड के लोग मजबूती से काम शुरू कर दिए हैं। तो हमारा कोई उत्तर प्रदेश टारगेट नहीं है, पार्टी हमारे 7-8 राज्यों में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या वो भी राजभर के साथ रहेंगे, क्या है तैयारी? अब देखिए, अब उस समय जो परिस्थितियां बनेंगी, भाई हम उनको व्यक्तिगत पसंद करते हैं, भाई ठीक है, वो दबे कुचले की आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव 2024 का चुनाव देश की बड़ी पंचायत का चुनाव हो रहा है, भागीदारी पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अपने समाज को, अपने सपोर्टरों को, अपने समर्थकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को? देखिए, कार्यकर्ताओं और समाज के जो भी हमारे भाई हैं जो हमको देख रहे हैं आपके चैनल पर, भाई मेरा एक ही अपील है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि उत्पीड़न के खिलाफ लोगों को भागीदारी दिलाने के लिए, लोगों को सम्मान दिलाने के लिए तमाम डिपार्टमेंट में भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके लिए हमने भागीदारी पार्टी बनाया है, और पार्टी 2021 में पार्टी का निर्माण किया गया। आज भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में और भारत के कई राज्यों में हमारे लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग हैं, देखो होता क्या है, एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, तो उसमें कोई थोड़ा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। अब जो लोग नकारात्मक टाइप की बात कर रहे हैं कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, पहले वो अपने गिरेबान में झांकें, आज 4 महीने से कुछ लोग फड़फड़ कर रहे हैं, अब कहाँ खड़े हैं? एक जिले में कहीं कार्यक्रम हुआ हो तो बताओ? और भागीदारी पार्टी, आपने देखा कि हमने 27 तारीख को पटना में रैली के बाद बिहान से ही मैंने 28 तारीख को आजमगढ़ में रैली किया, और वहाँ से रैली करने के बाद मैंने कल इलाहाबाद में रैली किया, आज मेरा कार्यक्रम गोरखपुर में लगा है, परसों मेरा कार्यक्रम कुशीनगर में लगा है, उसके बाद में नरसों सिद्धार्थनगर में लगा है, फिर बस्ती में लगा है, फिर अम्बेडकर नगर में लगा है, 11 तारीख को जौनपुर में लगा है। और हमारे कार्यकर्ता तो सड़क पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, किसी के चिल्लाने से कुछ थोड़ी होगा। कोई चाहे कि मैं श्री ओम प्रकाश राजभर बन जाऊं, मैं प्रेमचंद प्रजापति बन जाऊं, तो वो बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। जो लोग मोर्चे में, हमारे लोग जो हेलीकॉप्टर में बैठने को लेकर विवाद कर रहे थे, हमारे जो लोग कुछ परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, पहले ये लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें, जिसकी औकात जो है क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने की नहीं है। इस प्रेमचंद प्रजापति ने देश की बड़ी पार्लियामेंट का, देश की बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ाया, तो अब लड़के दिखाएं, और जमानत न जब्त हो जाए तब आप कहिएगा क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, 50 वोट पाएंगे। ठीक है, प्रेमचंद प्रजापति जी रात, और कुछ नेता ऐसे हैं जिनको उनकी पत्नी भी वोट नहीं देगी, ये जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उनकी ये औकात है, उनकी बीबियां भी उनको वोट देने को राजी नहीं है। ठीक है, आप आए राज तक न्यूज चैनल पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भागीदारी।